तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनीश विक्टा। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। तो गाइस, ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला, क्योंकि गाइस हम जा रहे हैं आज चूड़दार पूरी फैमिली के साथ। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। तो गाइस बहुत ही मज़े आने वाला है पूरे ब्लॉग में, बहुत ही मस्त भी हुआ चूड़दार का। छठवीं बार जा रहा हूँ गाइस मैं चूड़दार, इससे पहले मैं 5 बार ही जा चुका हूँ। तो गाइज इतना मस्त व्यू है ना, और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है ना गाइज। तो ये देखिए गाइज कितना सुंदर व्यू है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था बहुत ही सुंदर व्यू है गाइज। ये देखिए रास्ता कितना बढ़िया। तो गाइज चलिए अपने फैमिली मेम्बर से आपका परिचय कराते हैं। ये है गाइज डिम्पल दीदी, मेरे सिस्टर, और गाइज बाकियों से भी मिलाते हैं आपको। तब तक आप व्यू देखिए चूड़दार का, बहुत ही मस्त व्यू है, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है ना गाइज। ठंडी ठंडी हवा बहुत सुकून देता है गाइज दिल को। तो गाइज आइए आप भी कभी चूड़दार विजिट करिए, इतना बढ़िया। तो ये है गाइज मेरे मम्मी जी, और इनसे पीछे है मेरे भैया चूड़दार मार, और ये है, और गाइज मैं सबसे पीछे हूँ, ये सारे लोग पापा मम्मी भैया दीदी सब आगे, मैं सबसे पीछे हूँ गाइज, सबसे पीछे, और मेरे से पीछे कोई भी नहीं। देखिए गाइस बहुत दूर, गाइस देखिए कितनी चढ़ाई है, बीच बीच में सुंदर नज़ारा भी है और चढ़ाई भी है। और गाइस ये सारे फैमिली मेंबर चल रहे हैं, और मैं जैसे कि सबसे पीछे हूँ। और गाइस ये देखिए, जिनका लड़का घूम हो चुका है, अगर आपको कहीं दिखे तो गाड़ी गुड़ी में दिखे तो संपर्क करें गाइस। गूंगा है, अच्छा गूंगा है, क्या बोला तुमने कुछ उसको? ना ना तुमने बोला उसको कुछ? नाम पूछा, क्या नाम उसका? शोमा ना बोलता है बिल्कुल नहीं, वो कुछ अच्छा बड़ा जवान है। जैसे कि आपने सुना इनका बेटा है जो वो घूम चुका है, नाम है, नाम क्या है? श्याम, श्याम नाम है गाइज। और जैसा कि इन्होंने बोला तकड़ा खूबसूरत है, अगर आपको कहीं काली दाढ़ी है बड़ी बड़ी, अगर आपको कहीं मिलता तो गाइज आप उसको इनसे मिला सकते हैं और इस रास्ते में ले आ सकते हैं। अब मम्मी थक चुके हैं पूरी तरह से, बहुत बुरे तरीके से थक गए, अब आराम आराम से चल रहे हैं। तीन लोग हमारे साथ जो थे वो आगे चले गए, डिम्पल और पापा आ रहे नीचे से, पापा भी काफ़ी पीछे है, बाकी लोग भी बहुत सारे लोग चल रहे। देखो अब चलते हैं आराम आराम से, आई थिंक अब हम पहुँचने वाले हैं, अभी थोड़ा ही रह गया। यहाँ भैया भी ब्लॉग बना रहे हैं, ये देखिए भैया ने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज इनकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा अपने ही चैनल पे, तो गाइज जाइए और वीडियो को देखिए। गाइज फाइनली काफ़ी संघर्ष के बाद और काफ़ी टाइम के बाद, शायद 3 घंटे बाद हम पहुँच चुके हैं कालाबाग। तो गाइज कालाबाग का व्यू दिखाता हूँ आपको, मतलब जहाँ नीचे दुकानें हैं उससे तो हम ऊपर आ चुके हैं थोड़े, यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस फाइनली कालाबाग पहुँच चुके हैं, 3 घंटे लगे हैं पूरे कालाबाग के लिए, क्योंकि आराम से चल रहे थे गाइस हम। काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ गाइस, पर ये जो कालाबाग है ये नीचे रह चुका है। गाइस आ रहे हैं लोग, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे गाइस अभी ऊपर को, क्योंकि लोग क्या करते हैं शाम को जाते हैं और अगले दिन आते हैं, पर हमारा प्लान सुबह का था
तो हम सुबह हमने 5:30 बजे हम घर से निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 10:10 बजे। तो गाइस 10 बजे हम कालाबाग पहुंच चुके हैं। तो सुबह बहुत कम लोग ऊपर आते हैं, लोग शाम को ही आते हैं और वापस अगले दिन जाते हैं ठहर के। तो गाइस हमारे पास उतना टाइम नहीं था, इसलिए हम सुबह ही आए और आज शाम को ही निकल जाएंगे। अगर टाइम होता तो गाइस पक्का हम अगले दिन यहाँ एक दिन रुक के ठहर के जाते। तो गाइस पर टाइम नहीं था। ये देखिए भैया और पापा अब आ रहे, और ये डिंपल दीदी और काजल दीदी बैठे हुए हैं, और यहाँ मम्मी बैठे हुए हैं। तो गाइस अब पहुँचने वाले हैं हम। कहाँ पहुँचने वाले, क्या उस जगह का नाम? तो अब नाम तो नहीं पता है, पर ये पता है पहुँचने वाले हैं। बहुत खुली जगह है, यहाँ पर फ़ोटो खींची जाती है और बहुत सारे पत्थर वगैरह लगा है, आप खुद ही देख लेना गाइस। तो बस वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो चलते हैं। ये देखो गाइस बुरे हाल हो चुके हैं, थक के, और इनके भी बुरे हाल हो चुके हैं, मेरे तो बहुत ही बुरे हाल है। उफ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है वो जगह जहाँ की मैं बात कर रहा था। तो गाइस देखिए और व्यू का मजा लीजिए। सकते आप मैं किस जगह की बात कर रहा था, कहाँ पहुँच चुके हम। बस 10 तक रुक जाइए, 10 सेकंड तक मात्र। ये देखिए पहुँच चुके हम, पहुँच चुके हैं गाइस। वहाँ जाना है हमने गाइस। तो लीजिए गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं उस जगह। तो आपने जगह तो देख ही ली होगी। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत जगह, इसी को बोल रहा था मैं कि बहुत ही खूबसूरत जगह है गाइस। जगह तो आपने देख ही ली होगी, आपको चली तो गया लिया था मैंने गाइस वीडियो में। अब पापा जी भी पहुंच चुके हैं, और डिंपल दीदी और काजल दीदी भी पहुंच चुके हैं। अब पीछे रह चुके हैं मम्मी और भैया, वो अभी दिख नहीं रही है, तो कोई और ही है। पापा पहुँच चुके हैं और काजल दीदी डिंपल दीदी पहुँच चुके हैं, बचे हैं मम्मी और भैया। गाइस असली मजे इस जगह में है। तो जो ये दोनों कर रही है, अब मैं भी वही करने जा रहा हूँ। हाँ आ रहे हैं वहाँ, पापा बुला रहे दूसरी जगह चलो वहाँ। बढ़िया देखिए गाइस ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है गाइस। हम भी इसमें चल रहे हैं, ये देखिए गाइस क्या, फिर चलो चल, ये देखिए गाइस हम भी चलते हैं गाइस। ये मेरे शूज, ये मन तो कर रहा है इसको पर सीधा सो जाऊं गाइस। अभी अभी गाइस मेरे को ध्यान आया कि सोलन में भागवत चला था, और भागवत में जो थे खाटू श्याम के बाबा, मतलब जो खाटू श्याम को मानते हैं वो थे, उन्होंने कहा था कि चूड़दार में एक जगह पड़ती है जहाँ पर खाटू श्याम का मतलब स्थान है। तो वही पता कर रहा हूँ मैं कि खाटू श्याम का स्थान कहाँ है। तो पूछता हूँ मैं यहाँ और आपको वहाँ भी ले चलता हूँ खाटू श्याम के स्थान पर। खाटू श्याम जी जो जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना गला काट के श्री कृष्ण जी को दिया था, तो वहाँ भी मैं ले चलता हूँ। अभी पता तो नहीं है कि कहाँ है, पर मैं बता करके ते छोड़ के आपको व्यू दिखाते हैं। ये देखिए खूबसूरत व्यू, मेरे को तो ये वन ऑफ द होली प्लेस इन हिमाचल, पूरे हिमाचल में मेरे को वन ऑफ द होली प्लेस, पूरे हिमाचल का सबसे पवित्र स्थान लगता है। व्यू तो आप देख ही सकते हैं गाइस। ये भैया व्लॉग बना रहे हैं, मेरे को दिखा रहे हैं, और ये सुबह के टाइम में जितने भी श्रद्धालु जा रहे हैं वो आपको पीछे देख सकते हैं।
ये देखिए उधर और वहाँ पार भी देख सकते हैं आप। और ये बाकी हम, ये पापा वगैरह, मम्मी वगैरह, भैया। अभी के लिए पार्ट वन में इतना ही, और यहाँ से ऊपर की जो जर्नी है वो मैं सारी पार्ट टू में डालूँगा, या फिर पार्ट थ्री भी बन सकता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। तो पार्ट वन में मैं इतना ही कवर कर पाया, बाकी वीडियो पार्ट टू में डालूँगा। अगर पार्ट टू में भी नहीं आई तो पार्ट थ्री में डालूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो थैंक यू गाइस। तो गाइस पार्ट टू में हम चूड़धार का मंदिर कवर करेंगे और शिवलिंग कवर करेंगे।